गुड मॉर्निंग क्लासिक्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मसाया हमने पढ़ना है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर जो सा होता है, आपको पता है कि ये एक मैग्नेटिक चिप की तरह का होता है। कार्ड रीडर जो सा है, इसके अंदर मैग्नेटिक चिप लगी होती है। जैसे एक बैंक अकाउंट का कार्ड होता है, जैसे ATM कार्ड है, उसी तरह ही एक वो होता है विदाउट चिप। उसके अंदर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, उसके अंदर जस्ट आपने ATM कार्ड के अंदर आप डालते हैं और वो आप मैनुअली आपको एंटर करना पड़ता है। लेकिन जो एक चिप वाला कार्ड होता है, जो कार्ड रीडर होता है, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो आपको स्वाइप करना होता है एक मशीन के ज़रिए, जिसके अंदर आपके सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आती है, और वो जो सा है आप पैसे वगैरह निकालवा सकते हैं। इसके अंदर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है, ट्रैवल कार्ड टिकट भी आ जाते हैं, जिसके ऊपर आपकी मैग्नेटिक स्ट्राइप लगी हुई होती है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि माइक्रोचिप भी होती है। ये जो सा है मोर देन डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। 8,000 करेक्टर्स का से ज़्यादा का इसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। और जो सा आपका लेज़र कार्ड है, वो भी इसी तरह का होता है, और उसके अंदर 2 मिलियन करेक्टर्स का स्टोर करने की गुंजाइश होती है। उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो डाटा, यानी कि उसके अंदर पैसे, करेक्टर का मतलब है उसके अंदर पैसे जो है 2 मिलियन से ज़्यादा के आप ऐड कर सकते हो। जबकि जो सा आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह है, उसके अंदर आप 8,000 करेक्टर से अबव कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपका क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि QR कोड जो है, आज का बाइनरी कोड चल रहा है ना, कि QR कोड को स्कैन करें तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये जो सा होता है, ये स्पेशल एक कोड होता है, ये बार कोड की तरह का होता है, और ये इंस्टेंटली आपको जो सा है अवेलेबल होता है, आपका काम फटाफट से हो जाता है। और लेकिन ये इसकी सिक्योरिटीज होती है, ये स्क्वेयर बॉक्स में, बॉक्सेस के शक्ल में जो सा है आया हुआ होता है। आपने बार को स्कैन करने के लिए ऐप में एक QR कोड होता है, उसको आपने ओपन करना होता है, जिससे आपका ये बार कोड क्विक रिस्पॉन्स जो सा है ये दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पर्सनल, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने टैबलेट में अपना व्हाट्सएप ऑन करना था, या कोई आप ऑन करनी थी, तो मैंने ये अपने मोबाइल पे क्विक रिस्पॉन्स वाला जो सा था उसको स्कैन किया, और वो मेरे टैबलेट पे भी हो गया कनेक्ट। तो इस तरह से ये आपका होता है कि आपको कनेक्टिविटी अगर करनी होती है, तो ये बार कोड से आपको क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है, बनस्पत ये कि आप टाइम लगाओ 24 आवर का, कि 24 आवर के बाद आपका जो सा एक्टिवेट होगा, या 24 आवर आपको लगेंगे कोई काम करने में। तो इस तरह से बड़ा टाइम भी आजकल लगता है, तो ये लेकिन जो सा है क्विक रिस्पॉन्स, ये फटाफट से आपका काम इजीली और इंस्टेंटली हो जाता है। जस्ट आपको जो सा है ऐप को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। ये आपके दो हो गए हैं, या आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इनको अच्छे से पढ़िएगा, रीड आउट कीजिएगा, ना आए को ना समझ आए तो कोई क्यूरी हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम इसको दोबारा कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह।